पृथ्वीराज चौहान पार्ट टू। पृथ्वीराज चौहान भारत के सबसे महान राजपूत और हिंदू राजाओं में से एक थे। पृथ्वीराज को अक्सर एक साहसिक योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिसने भारत पर होने वाले मुस्लिम हमलों को कई वर्षों तक रोके रखा। तराइन के दूसरे युद्ध में मिली करारी हार के बाद ही भारत में पहली बार मोहम्मद गौरी अपनी जड़े जमाने में कामयाब हो पाया। एक चर्चित लोक कथा पृथ्वीराज विजय, आईने अकबरी और सुरजन चरित्र में पृथ्वीराज की गहड़वाल राजा जयचंद से शत्रुतापूर्ण संबंधों के बारे में बताया गया है। इस कथा के अनुसार पृथ्वीराज जयचंद की पुत्री संयोगिता को उसके स्वयंवर से लेकर भाग गए थे। संयोगिता से विवाह के कुछ समय पश्चात ही भारत पर गुरीद वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने हमला कर दिया, लेकिन अफसोस पृथ्वीराज इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अंततः वे ये युद्ध हार गए और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दिल्ली में बने राय पिथौरा किले का निर्माण पृथ्वीराज ने ही कराया था, हालांकि ये किला अब नष्ट हो चुका है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने ये शहर अपने दामाद पृथ्वीराज को उपहार में दिया था, लेकिन जब उसने इसे पृथ्वीराज से वापस छीनना चाहा तो उसे पृथ्वीराज के हाथों शिकस्त सहनी पड़ी। हालांकि ऐतिहासिक प्रमाण ऐसी किसी भी घटना को सिरे से नकार देते हैं। पृथ्वीराज और उसके पहले के शासकों में मुस्लिम वंशजों के कई हमलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद 12वीं शताब्दी तक भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक मुस्लिम शासकों ने अपने पैर जमा लिए थे। 12वीं शताब्दी के अंत में गजनी से आए गुरीद वंश के शासक चहमानी साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से तक कब्जा कर चुके थे। 1175 में पृथ्वीराज बालक था। उस वक्त तक गुरीद शासक मोहम्मद गौरी सिंधु नदी को पार करके मुल्तान पर अधिकार कर चुका था। इसके बाद 1178 में उसने गुजरात पर हमला किया, जिस पर चालुक्य के राजाओं का शासन था। गुजरात में अपने इस हमले के दौरान गुरीद सेना ने चहमान राज्य की पश्चिमी सीमा में घुसकर कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। पृथ्वीराज विजय में उल्लेख मिलता है कि गुरीद सेना की ये करतूतें चहमानी राज्य के लिए बिल्कुल राहु के समान थी, जो इस साम्राज्य को सूर्य समझकर निकल जाना चाहती थी। गुजरात से गुजरते ही गुरीद सेना ने नादुल के किले पर हमला कर दिया, जो उस समय नादुल के चहमान शासक के अधीन था। पृथ्वीराज के मुख्यमंत्री ने उसे गुरीद के शत्रुओं को कोई मदद न करने और खुद को इस हमले से दूर रखने की सलाह दी। हालांकि चहमानी साम्राज्य पर तुरंत किसी तरह का आक्रमण नहीं हुआ था, क्योंकि गुजरात में चालुक्यों ने 1178 ईस्वी में गौरी को कासरदा के युद्ध में हरा दिया और उन्हें गुजरात से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। कुछ सालों तक मोहम्मद गौरी अपना सारा ध्यान अपनी ताकत को इकट्ठा करने और चहमानों के आसपास के क्षेत्रों जैसे कि पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतने में लग गया। उसने अपना गढ़ गजनी से हटाकर पंजाब को बनाया और उसके बाद उसने पूर्व की तरफ के राज्यों पर हमला शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ही उसका सामना पृथ्वीराज से हुआ। पृथ्वीराज विजय के अनुसार मोहम्मद गौरी ने अपने एक दूत रुकनुद्दीन हमजा को पृथ्वीराज के दरबार में भेजा, जिसने पृथ्वीराज को शत्रुता ना करके अपने राज्य को समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी इस मंशा में नाकामयाब रहा, जिसके नतीजे के रूप में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए हमला कर दिया। कई सारे मुस्लिम लेखकों ने पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच एक या दो युद्ध होने की बात लिखी है। तबकात नासरी और तारीख फरिश्ता में तराइन के दो युद्धों के होने की बात का उल्लेख मिलता है। वहीं जामेउल हाकिया और ताजुल मसीर में तराइन के सिर्फ दूसरे युद्ध होने की बात लिखी गई है, जिसमें पृथ्वीराज को हार मिली थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों की माने तो इन दोनों शासकों के बीच दो से ज्यादा युद्ध हुए थे, जिसमें पृथ्वीराज ने हर बार मोहम्मद गौरी को हराया था। हम मीर महाकाव्य में लिखा है कि पृथ्वीराज ने पहली बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराने के बाद उन सभी राजाओं से माफी मांगने और उनके राज्यों को छोड़ने के लिए कहा, और ऐसा करने पर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को जिंदा वापस जाने दिया। इसके बाद गौरी ने चहमान साम्राज्य पर 7 बार और हमला किया, लेकिन हर बार उसे हार मिली, लेकिन आखिरकार वो अपने 9वें हमले में कामयाब हो गया। इसके अलावा प्रबंध कोश, सुरजन चरित्र और पृथ्वीराज रासो में उनके बीच 21 बार युद्ध होने की बात का उल्लेख है। भले ही ये सारे युद्ध झूठे प्रतीत होते हों, ये संभव है कि उनके बीच दो से ज्यादा युद्ध हो सकते हैं।
या हो सकता है कि तराइन के दो युद्धों के अलावा बाकी सभी युद्ध पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से नहीं बल्कि उसके सेनापतियों से लड़े हों। सन 1190 से 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चाहमानी साम्राज्य पर हमला करके तबरे हिंद यानी कि बठिंडा पर कब्जा कर लिया। उसने इस जगह का सरदार जियाउद्दीन को बनाया, जिनके पास 1200 घुड़सवार की फौज थी। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो वो अपने सहयोगियों के साथ लेकर तबरे हिंद की तरफ रवाना हो गया, जिसमें दिल्ली के गोविंदराज भी शामिल थे। 16वीं शताब्दी के मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उसकी फौज में 2,00,000 घोड़े और 3,000 हाथी मौजूद थे। मोहम्मद गौरी का असल इरादा तबरे हिंद पर कब्जा करके अपने राज्य वापस लौट जाना था, लेकिन जब उसे पता चला कि पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ उसकी तरफ आ रहा है, तब उसने वहां रुककर युद्ध करने का निश्चय किया। उसने अपनी फौज तैयार की और जाकर तराइन में पृथ्वीराज की सेना से जा भिड़ा। इस खतरनाक युद्ध में पृथ्वीराज की सेना ने गुरीद की फौजों को बुरी तरह से हरा दिया और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल भी हो गया और अपनी जान बचाकर उसे वहां से भागना पड़ा। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी और उसकी सेना का पीछा नहीं किया बल्कि उसे जिंदा वापस जाने दिया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज समझ गया था कि तराइन का ये पहला युद्ध तो सिर्फ एक शुरुआत है, इसीलिए उसने भविष्य में मोहम्मद गौरी के साथ होने वाले किसी भी युद्ध की तैयारी करनी और योजना बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन थोड़े समय के बाद ही उसने ये सारी तैयारियां भुलाकर अपनी विवाह और पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। और जब मोहम्मद गौरी से दोबारा युद्ध का समय आया, तब पृथ्वीराज सुख और भोग विलास के कार्यों और सुविधाओं में व्यस्त था। तराइन के पहले युद्ध में मिली करारी हार से मोहम्मद गौरी तिलमिला गया था। वो वहां से बचकर किसी तरह से निकला और वहां से आते ही सीधे गजनी लौट गया। गजनी लौटकर उसने तुरंत ही अपनी हार का बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी और उसके लिए योजना भी बनाने लगा। तबकात नासरी के अनुसार उसने अगले कुछ महीनों में ही 1,20,000 अफगान, ताजिक और तुर्की घुड़सवारों की एक फौज इकट्ठा की और इसके बाद मुल्तान और लाहौर से होते हुए चाहमानी साम्राज्य की तरफ चल दिया। इस दौरान जम्मू के शासक विजयराज ने भी उसकी मदद की। अपने पड़ोसी राजाओं से ही युद्ध करने की वजह से अब पृथ्वीराज का कोई भी सहयोगी राज्य नहीं बचा था। इसके बावजूद उसने मोहम्मद गौरी के लिए युद्ध की एक बड़ी सेना तैयार की। पृथ्वीराज के खेमे में 150 सेनापतियों की तरफ से मोहम्मद गौरी को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उसे किसी भी तरह से नुकसान ना होने की बात लिखी गई अगर वो शांति से अपने देश वापस लौट जाता है। हालांकि मोहम्मद गौरी ने इस बात पर गजनी में मौजूद अपने भाई गयासुद्दीन से सलाह लेने की बात की, जबकि उसने छल से चहमानी राज्य पर हमला करने की साजिश रची। उसने अपने कुछ सैनिकों से कैंप पर मशाले जलाए रखने की बात की ताकि पृथ्वीराज की फौजों को उसके सैन्य कैंप में होने का एहसास हो। वहीं दूसरी तरफ वो चुपके से अंधेरे में अपनी सेना को लेकर पृथ्वीराज की सेना पर हमला करने के लिए निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने 10,000 तीरंदाजों के 4 ग्रुप बनाए और अपनी बाकी फौज को उसने वहीं पर छुपा दिया। इसके बाद आगे आकर उसने अपने सभी तीरंदाजों को पृथ्वीराज की सेना पर हमला करने का आदेश दिया। अपनी चालाकियों और रणनीतियों की वजह से मोहम्मद गौरी आसानी से पृथ्वीराज की फौज को हराने में कामयाब हो गया। पृथ्वीराज की सेना के 1,00,000 सैनिक मारे गए और वो खुद भी घोड़े पर सवार होकर यहाँ से वहाँ भागने लगा। लेकिन थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद गौरी के सैनिकों ने सरस्वती किले के पास उसे पकड़ लिया। आखिरकार हजारों सैनिकों को मारकर मोहम्मद गौरी ने अजमेर के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज को पकड़ने के बाद चहमानी राजधानी अजमेर लाया गया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज के साथ गौरी ने काफी बुरा बर्ताव किया। गर्म लोहे की सलाखों से उसकी आंखें जला दी गईं और उसे अंधा बना दिया गया। लेकिन इसके बाद पृथ्वीराज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्त और दरबारी चंदर बरदाई की मदद से शब्द भेदी बाण का प्रयोग करके मोहम्मद गौरी को मार गिराया। सिर्फ आवाज को सुनकर उस पर बाण चला पाने की अपनी कला की वजह से एक तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान पृथ्वीराज ने अपनी इस कला का प्रयोग किया। उसके प्रदर्शन से खुश होकर जैसे ही मोहम्मद गौरी ने उसकी तारीफ की, तुरंत ही गौरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज ने उसकी तरफ तीर चला दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। गौरी के सैनिकों से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई दोनों ने ही एक दूसरे को चाकू मार दिया। सन 1192 में पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। चंदर बरदाई ने अपने दोस्त
पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कहानी को अपनी अजय रचना पृथ्वीराज रासो के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। हालांकि इतिहासकारों के द्वारा इसे सिर्फ एक कहानी माना जाता है और ऐसा होने के प्रमाणिक साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज की मृत्यु के अगले 10 सालों तक मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर राज किया। पृथ्वीराज की मौत के बाद उसने उसके पुत्र गोविंद राज को वहाँ का शासक बना दिया। इसके बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंद राज को सिंहासन से हटा दिया और अपने राज्य के कई हिस्सों पर नियंत्रण पा लिया। पृथ्वीराज की मौत के साथ ही भारतीय इतिहास का एक साहस, बहादुरी और देशभक्ति से भरा हुआ युग भी बीत गया। चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो और जैनक की रचना पृथ्वीराज विजय में भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के कारनामे आज भी जिंदा है। पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हमारी ये सीरीज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।